सो ही गई जा चुके कन्नी उड़ी सा तो वापिस। इस वाले वीडियो में तुम्हारा भाई आप लोग को बताने वाला है कि आप लोग अपने YouTube चैनल के लिए 4K HD में थंबनेल कैसे बना सकते हो। आप लोग बट थंबनेल बनाते होगे, बट आप लोग का बोले तो थंबनेल HD नहीं होता होगा, आप लोग मतलब खूब लो क्वालिटी में होता होगा। तो इस वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग 4K HD में बोले तो थंबनेल कैसे बना सकते हो, बोले तो एकदम भेरियाई थंबनेल बनाओगे जो कि यार देखने में यार काफ़ी कमाल एंड काफ़ी मस्त भी लगने वाला है। तो इस वाले वीडियो में तुम्हारा वही बताने वाला है कि आप लोग ना यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो इस वाले वीडियो में तुम्हारा भाई कुछ इस तरह का थंबनेल आप लोग को बनाकर बताने वाला है जो कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि यार माई फर्स्ट ब्लॉग का मैं थंबनेल बनाया हूँ वही आप लोग को मैं बनाकर बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहना यार, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, आज भी चैनल पर नहीं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपना छोटा भाई समझ के यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले आप लोग को पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना, जो कि यार इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर लेना पिक्सल लैब ऐप तो आप लोग को मिल जाएगा, जो कि यार ना ऐसी से एकदम बोले तो HD थंबनेल बनता है। तो न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट कर देना, 3 डॉट पर आना, 3 डॉट पर आने के बाद इमेज साइज में आना, इमेज साइज में आने के बाद गाइस यूट्यूब थंबनेल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आप लोग खुद देख सकते हो। इसे ओके करके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद गए यार आप लोग को ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा होगा जो कि यार ऊपर की साइड है, गए आप लोग खुद देख सकते हो। उस वाले आप लोग को प्लस पर क्लिक करना है, उसके बाद 4 गैलरी में आना है, गैलरी में आने के बाद गई जो कि आना अपने आपको एक मतलब एक फ्रंट कैमरा से आप लोग को एक फोटो ले लेना कुछ इस तरह का, गाइस चलिए आप लोग को मैं दिखाई देता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरह का आप लोग को बोले तो एक फ्रंट से साइड से ना आप लोग को ले लेना है, जो कि यार कुछ इस तरह का आप लोग फोटो ले लेना। लेने के बाद गई यार आप लोग कुछ नहीं करना होगा, इसे स्क्रॉल करके बड़ा कर लेना, मतलब साइज से एकदम कर लेना है। करने के बाद गई इसे आप लोग लॉक कर देना है, लॉक करने के बाद गई यार आप लोग को फिर से कुछ नहीं करना होगा, जो जो मैं स्टेप करूँगा आप लोगों को करना। फिर न्यू टेक्स्ट यहाँ से करना है, जो कि टेक्स्ट करना है, उसके बाद यहाँ से आप लोग को लिखना है माई फर्स्ट ब्लॉग। तो गई चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग। तो यार अभी तक यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर माई फर्स्ट ब्लॉग मैं लिखता हूँ, तो गई थोड़ा समय लग रहा था यार, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गई यार आप लोग खुद देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख लिया माई फर्स्ट ब्लॉग, उसके बाद जो माई है तो उसको बीच में कर देते हैं यार, जो कि यार देखने में काफ़ी मस्त लगेगा। तो यहाँ पर स्पेस करके मैंने कर दिया बीच में, उसके बाद से यहाँ कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इसे थोड़ा आप लोग बड़ा कर लेना और यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है, जो कि यार काफ़ी कमाल का देखने के लगेगा। उसके बाद इसमें आना है फ्रंट वाले ऑप्शन में, फ्रंट वाले ऑप्शन में आने के बाद गए यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा आप लोग को दिख जाएगा फ्रंट। तो गाइज आप लोग जो चाहे वो फ्रंट आप लोग यहाँ से यूज वगैरह कर सकते हो। तो गाइज चलिए मैं कोई सा बढ़िया सा फ्रंट यूज कर लेता हूँ। तो गाइज चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद से फ्रंट देखते हैं। तो गाइज यार नीचे वाला जो फ्रंट दिख रहा होगा जो कि यार काफ़ी कमाल लग रहा है, तो गाइज इसी वाला फ्रंट को हम लोग यूज करने वाले। तो गाइज ओके करके इस वाले फ्रंट को मैं यूज कर ले, यूज करने के बाद गाइज इसे हम लोग बोले तो कलर करने वाले, 2-3 कलर में करने वाले हैं। तो गाइज माई जो फर्स्ट ब्लॉग था ना माई ऊपर वाला, तो ज़्यादा स्पेस हो गया था इसलिए मैं उसे थोड़ा इधर किया हूँ। उसके बाद से गाइज आप लोग को कलर में जाना है, तो गाइज चलिए कलर को ढूंढते हैं, यहाँ पर कलर मिल जाएगा। उसके बाद जो माई लिखा है ना MY, तो इसे आप लोग सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद गाइज इसका कलर जो कि यार येल्लो कर देना, जो कि यार देखने में काफ़ी मस्त लगेगा। तो येल्लो यहाँ पर कर देना, येल्लो करने के बाद फिर कलर क्लिक करना है। उसके बाद जो ब्लॉग लिखा है ना, तो गाइज इसको भी यार सेलेक्ट करके यहाँ से कर देना है बोले तो येल्लो, जो कि यार येल्लो देखने में यार काफ़ी कमाल लगता है। तो येल्लो कर देना है, पीला कर देना, पीला करने के बाद फिर कलर में आना है, फिर बीच वाला फर्स्ट जो लिखा है ना गाइज इसको बोले तो आप लोग रेड कर देना, जो कि यार देखने में काफ़ी कमाल लगा है। उसके बाद से इसका ना आउटलाइन हम लोग देने वाले हैं, तो गाइज चलिए यहाँ से आउटलाइन इसका दे देते हैं, जो कि यार ब्लैक में देने वाले हैं, जो यार देखने में यार काफ़ी कमाल है, काफ़ी बेटर लगेगा। तो इसको बोले तो 10 हम लोग कर लेते हैं 10। उसके बाद 10 करने के बाद गाइज यहाँ से हम लोग करेंगे सेव, सेव करने के बाद यहाँ से शैडो हम लोग दे देते हैं, जो यार देखने में OP लगेगा। तो फाइनली यहाँ से तुम्हारा भाई बोले तो यार शैडो भी दे दिया, और यहाँ से एडजस्टमेंट कर देना जो कि अपने हिसाब से। तो गाइज यार आप लोग खुद देख सकते हो यार काफ़ी कमाल के यहाँ पर थंबनेल बन चुका है, जो कि यार अभी एक छोटा सा काम बाकी। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाले आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर एक टेक्स्ट लेना है, और यहाँ से एक इमोजी ऐड कर लेना है, जो कि मैं यहाँ पर इमोजी ऐड कर रहा हूँ। तो गाइज इसे कट करते हैं, उसके बाद से गाइज यहाँ से मैं एक इमोजी ऐड करता हूँ, जो कि यार इस वाले इमोजी को ऐड किया है, उसे ओके करते हैं। इस वाले इमोजी को थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा बहुत टेढ़ा करते हैं, और इसके कोन के साइड यहाँ पर लगा देते हैं, जो यार देखने में यार काफ़ी कमाल लगेगा। तो गाइज यार आप लोग खुद देख सकते हो, फाइनली बोले तो हम लोग का थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है गाइज। देखिए यार देखने में यार काफ़ी कमाल एंड काफ़ी बेटर लग रहा है गाइज। तो गाइज आप लोग भी ऐसा माय फर्स्ट ब्लॉग वाला थंबनेल बना सकते हो, मतलब कोई सा भी थंबनेल आप लोग इससे बना सकते हो। शेयर वाले जाना है, सेव टू गैलरी आप लोग को भेरी आई में करके सेव कर लेना, जो कि यार देखने में जो कि यार एकदम HD दिखेगा। तो यहाँ से सेव करने के बाद गए चलिए आप लोग को मैं गैलरी में जाता हूँ, और गैलरी में जाने के बाद गई मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये थंबनेल आप लोग को HD में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि यार लो क्वालिटी में। तो फाइनली मैं आता हूँ गैलरी में अपने बोले तो एल्बम में, और उसके बाद से गई
लीजिए तो पहले वाला है। तो गाइस चलिए सबसे पहले जो सेव किए वो दिखाता हूँ। तो गाइस यार आप लोग खुद देख सकते हो जो कि यार एकदम HD में बोले तो एकदम 4K HD में यहाँ पर फाइनली थंबनेल बनकर रेडी हो चुका है गाइस। यार आप लोग खुद देख सकते हो यूट्यूब चैनल के लिए जो कि यार आप लोग वीडियो बनाओ उसके ऊपर ये वाला थंबनेल लगा दो। तो गाइस आप लोग को ऐसा ये वाला थंबनेल लग रहा है गाइस एक बार कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई कि आप लोग ये वाला थंबनेल कैसा लगा। तो गाइस अगर आप लोग को मस्त लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वाले वीडियो को ना अपने फ्रेंड के सभी साथ भी शेयर कर देना। तो गाइस चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।